तो ये रहा इसका कॉन्टैक्ट नंबर और इसका नाम है संजय कोलू वाले, ठीक है। अंदर मतलब यहाँ पे खुद ही सरसों का तेल बनता है, ठीक है। और इनके प्राइजेस वगैरह मैं आपको अंदर जाके दिखा देता हूँ क्या है लिखी हुई, आप देख सकते हो ये रहा। और ये काफ़ी मतलब हाइजीन रहता है। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं अभिषेक आनंद। और अभी ना मेरे घर के पास ना एक वो है ऑयल मील है एक संजय कोलू के नाम से, तो मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा कि क्या प्राइजेस हैं। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं मस्टर्ड ऑयल लेने, बाकी रेट वगैरह वहीं पे जाके पता करते हैं, वो ना फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अभी मैं आपको रास्ता भी बता दूंगा, लोकेशन वगैरह वो वीडियो के एंड में पता लग जाएगी। अभी पहले हम वहाँ पे पहुँचते हैं। तो नरेंद्र नाथ वाली रोड से जस्ट आप जैसे लेफ्ट मुड़ेंगे और बाबूराम की तरफ जा रहे होंगे, बाबूराम की तरफ सीधा चलते चलते हम लोग फर्स्ट कट से राइट मुड़ेंगे DCP ऑफिस की तरफ। देन DCP ऑफिस की तरफ जब हम पहुंच जाएंगे, बाकी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, अभी फ़िलहाल आप रास्ते को देखते रहो, ठीक है। इससे पहले जब DCP ऑफिस की तरफ हम मुड़ रहे होंगे, कॉर्नर पे शालीमार पार्क भी आएगा और पार्क की साइड हमें नहीं जाना है, हमें मुड़ना है राइट हैंड की तरफ जो कि DCP ऑफिस है, जिसे आजकल फर्श बाजार थाना भी बोलते हैं। और सामने की तरफ आप देख रहे होंगे आपको पुलिस स्टेशन दिखाई भी दे रहा है, और थोड़ा सा कैमरा नीचे की तरफ हो गया इसलिए आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। और यहाँ से आपको जाना है सीधा एकदम, अब यहाँ से धीरे धीरे रास्ता थोड़ा पतला होता चला जाएगा, कंस्ट्रक्टेड सा लगेगा आपको यहाँ पे रास्ता, और लेकिन फिर भी इस रास्ते से अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। लेकिन मैं वीडियो के लास्ट में भी आपको एक रास्ता बताऊँगा जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आप आसपास से नहीं आ रहे, शाहदरा से नहीं आ रहे, अगर आपको रास्ता नहीं पता तो आप उस सीधे रास्ते से आप डायरेक्ट शॉप तक पहुंच जाओगे। अब जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जैसे कि मैं यहाँ आसपास रहता हूँ तो मुझे पता है यहाँ का कीमत कैसे है, तो इस वजह से मैं इस रूट से जा रहा हूँ। ये DCP ऑफिस है साइड पे पुलिस स्टेशन, ठीक है। इसकी बैक साइड से होते हुए ये रहा पहला कट पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, कहीं नहीं मुड़ना, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा चलते रहो। अब पहला जो एक बिल्कुल सीधा जाने के बाद पहला कट छोड़ देंगे, ठीक है, उसके बाद हम सीधा चलते रहेंगे। यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना, आगे से लेफ़्ट लेने से पहले हमारे आगे कार आ गई तो हमने वीडियो को बंद कर दिया। अब हम यहाँ से लेफ़्ट ले चुके हैं, कार से जहाँ कार थी वहाँ से लेफ़्ट ले लिया। अब हम यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएंगे और लेफ़्ट हैंड की तरफ देखते चलेंगे, लेफ़्ट हैंड की तरफ देखते देखते हमें वो शॉप भी दिख जाएगी, ठीक है। और मैं चाहता तो इस पोर्शन को काट भी सकता था लेकिन मैं इसलिए नहीं काट रहा, इन केस अगर कोई आना चाहता है आसपास से भी तो वो रेफरेंस देके कि क्या क्या रास्ता है, उनको आसपास से देखा हुआ होगा रास्ता, तो वो आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसी वजह से मैं ये क्लिप्स काट नहीं रहा हूँ, तो आप पूरा रास्ता एक बार देख सकते हो। अगर आप यहाँ आसपास कहीं गली में भी रहते हो और आपको नहीं पता आपके घर के आसपास इतनी बढ़िया शॉप है ऑयल वगैरह ख़रीदने के लिए जो कि इतना सही आपको प्राइस पे और ऑथेंटिक चीज़ मिलती है, ठीक है, तो आप भी इसे एक बार देख सकते हो रेफरेंस के तौर पे। बाकी स्किप कर देना वीडियो को अगर आपको बोर लग रहा हो तो, डायरेक्ट सीधा कोलू वाले पोर्शन पे जाना, ठीक है, प्राइजेस वगैरह देखने के लिए। बाकी उन लोगों के लिए ये वीडियो जिन्हें रूट भी देखना था कि किस तरीके से आ सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता बता ही दूंगा, तो वीडियो को एंड में भी ज़रूर देखना। और लेफ्ट हैंड की तरफ देखते चलेंगे, ये देखो संजय कोलू आ गया। अब हम लोग यहाँ पर उतरते हैं, थोड़ा सा प्राइस वगैरह देखते, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। तो ये रहा इसका कॉन्टैक्ट नंबर और इसका नाम है संजय कोलू वाले, ठीक है। और इनके यहाँ ना अपनी खुद की मील बनी हुई है और ये वाला गेट बंद है, इसके अंदर मतलब यहाँ पे खुद ही सरसों का तेल बनता है, ठीक है। और इनके प्राइजेस वगैरह मैं आपको अंदर जाके दिखा देता हूँ क्या है, तो प्राइसेस वगैरह मैं आपको इसके अंदर जाके दिखा देता हूँ। और ये रहा इनका काउंटर वगैरह, और यहाँ पे काली सरसों का तेल, इसके प्राइजेस लिखे हुए हैं, 1 लीटर 120 का, ठीक है, 900 ग्राम होता है उसमें, और 1 किलो में 130 का, उसमें 1000 ग्राम होता है। और ये डिफरेंस है, पीली सरसों का तेल 165 है, ठीक है, 1 किलो 180, ठीक है, सफ़ेद सरसों का तेल 210 और 230 सफ़ेद तेल का, ठीक है। यहाँ पे हर प्रकार के आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑयल मिल जाते हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, हर प्रकार के ऑयल मिल जाएंगे और सबकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो ये रहा, ठीक है। और ये काफ़ी मतलब हाइजीन रहता है बाकी ऑयल वगैरह के, और वहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे भी प्राइस शो कर रखे हैं, और इस तरीके की प्राइसिंग वगैरह यहाँ की, हर तरीके का ऑयल वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। और मैं चला अंदर, हमें चाहिए काली सरसों का तेल भाई, मोला तेल भी है, छोटी मील, ओके, ये मूंगफली का तेल है और इसके भी प्राइजेस लिखे हुए हैं। अगर आप 1 लीटर लेते हो उसमें 900 ग्राम होता है, 280 का, और 1 किलो वो है, और 1000 ग्राम होता है 300 रुपये का। और कोकोनट ऑयल वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे सारे प्राइजेस लिखे हुए हैं। और उधर की तरफ भी लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यार, ठीक है, वो रहा।
बफेलो क्रीम की है, बफेलो दही की है, ठीक है, और इस तरीके से पूरा है इनका। और आगे की तरफ और भी लिखे हुए हैं इनके प्राइजेस वगैरह, बाकी सब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जरा सारे यहाँ पे प्राइजेस हैं, तो यहाँ पे इनका पूरा है टेम्पलेट्स वगैरह है, ठीक है, और इसमें सारा एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें हैं। बाकी भैया से और भी इन्फॉर्मेशन लेनी है वो मैं भैया से खुद आपको यहाँ पे बुलवा देता हूँ, तो क्या क्या चीज़ें हैं एक बारी भैया खुद बोल देते हैं इसी टेम्पलेट पर कैमरे को करके। आप सारी ए टू जेड आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे, फ्री होम डिलीवरी अप टू 15 किलोमीटर हमने मेंशन कर रखा है। ओके, बट आपको जब आप कॉल करते हो कस्टमर पूरा सपोर्ट दिया जाता है, 15 किलोमीटर तक भी, 50 किलोमीटर तक भी हम फ्री दे देते हैं। 50 या राइट, उसके ऊपर अगर आपको जो है 30 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से आपका लगता है, 30 रुपीज़ पर लीटर के 50 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं। अदर स्टेट पूरा डिलीवरी है, ये जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली में डिलीवर होगा, कहीं भी ले सकते हो पूरा पैन इंडिया, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं जा पाएगा, लेकिन 30 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से जा पाएगा पूरा पैन इंडिया। Okay. लेकिन यहाँ से जहाँ पे हमारी शॉप होती है यहाँ से लेकर 50 किलोमीटर तक 50 वो फ्री आएगा, ठीक है। हाँ जी, और जैसे आपका ऑयल वगैरह होता है तो आप यहाँ पे खुद ही यहाँ पे निकालते सारा का सारा, हमारा खुद ही टोटल ए टू जेड हमारा का सारा खुद ही निकालते हैं, खुद ही बनाते हैं, सामने निकाल के फिर दिया जाता है कस्टमर को। कोई भी आइटम होगी वो अपनी आपके सामने निकलवा सकते हैं। और तो इनकी यहाँ पे सेकंड ब्रांच भी है, शॉप नंबर 2, और इसका एड्रेस भी लिखा है, अगर आप यहाँ से लेना चाहो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। और भैया ने बताया यहाँ पे भी सारी की सारी चीज़ें सेकंड ब्रांच पे भी आप अपनी आंखों के सामने ले सकते हैं, सामने निकलवा सकते हैं, ऑयल वगैरह आपको जितना भी चाहिए आपके सामने निकाल के देंगे, कोई ऐसा नहीं कि कुछ एडिशनल या फिर आपसे छुपाया जाएगा, सब कुछ आपके सामने होगा, आप फ्रीली आके इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हर चीज़ के बारे में आप इनसे पूछ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, पूरा कस्टमर सपोर्ट होगा। तो लोकेशन की बात करूं, अगर आपको यहाँ पे आना है ऑयल मिल पे, अगर खुद अपनी आंखों के सामने लेना है ना तेल, तो लोकेशन मैं आपको बताता हूँ, सामने की तरफ मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो स्टेशन का नाम है ईस्ट आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन, ठीक है, वेलकम से नेक्स्ट वाला पड़ता है, पिंक लाइन है ये, देन आप इससे नीचे उतर के आओगे बिल्कुल सीधा रोड जा रहा है, बिल्कुल सीधा रोड जाके पूछ लेना बाबूराम स्कूल किधर है, बाबूराम स्कूल पे खड़े होके ना गूगल मैप कर लेना, वहाँ से बिल्कुल आपको ये मान के चलो 2 या 3 मिनट का पैदल का मतलब रास्ता होगा, और इस मेट्रो स्टेशन से अगर आप टोटल रास्ता लगाओ उस कोल्लू तक का, ऑयल मिल तक का, ठीक है, तो करीब आपको 15 मिनट पैदल का रास्ता होगा ये, ठीक है, तो आप लोग वहाँ तक जा सकते हो लोकेशन पे, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। बाकी अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।